सिंधिया जी का। हम स्वागत करते हैं माननीय सांसद श्री बीडी शर्मा जी का, स्वागत करते हैं जल संसाधन और मछुआ कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी का, वित्त वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करते हैं। इसी के साथ हम स्वागत करते हैं खनिज संसाधन एवं श्रम विभाग मंत्री माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का, स्वागत करते हैं ऊर्जा मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का, और स्वागत करते हैं हम पर्यटन संस्कृति अध्यात्म विभाग मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी का। थोड़ी देर में वो हमारे बीच में होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा आयोजित रोजगार उत्सव कार्यक्रम प्रदेश के लिए एक गौरवान्वित पल है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये माननीय मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता से वादा रहा है, और आज के इस दिन पूरे प्रदेश में युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश के सतत विकास की एक कामयाब पहल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की पहल पर ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इस अभियान के विभिन्न जिलों में 138 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, और इसमें तकरीबन 26,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। आईटीआई में प्रशिक्षणरत युवाओं को देश प्रदेश की श्रेष्ठ कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट ड्राइव्स का भी आयोजन किया जा रहा है। तो आइए इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय लता मंगेशकर सुगम संगीत अलंकरण से नवाजी जा चुकी श्रीमती सुहासिनी जोशी जी को मध्य प्रदेश गान और वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं। श्रीमती सुहासिनी जोशी जी। मध्य प्रदेश गान।
अब हम निवेदन करते हैं तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्री आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी से कि वो स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें और साथ ही इस अभियान और कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सबको अवगत कराने की कृपा करें। माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी। सम्माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, खजुराहो के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे कैबिनेट के वित्त मंत्री सम्माननीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे कैबिनेट के WRD मंत्री सम्माननीय तुलसी सिलावट जी, कैबिनेट मंत्री सम्माननीय ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी, कैबिनेट मंत्री सम्माननीय उषा ठाकुर जी, हमारे RGPV के सम्माननीय वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील जी, हमारे विभाग की प्रमुख सचिव माननीय मिसेस देशमुख जी, मेरे सब यहाँ जो आए हैं सब लोगों को मैं स्वागत करती हूँ आपका कि आप इस कार्यक्रम में आए हो। हमारे डिपार्टमेंट के भी सब व्यक्तियों को, उनको भी मैं, उनका भी स्वागत करना चाहती हूँ। आज देश हमारा तो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, पर हमारी एक नई पीढ़ी निकल रही है जो एक यंग पीढ़ी है, जिसकी कम से कम पॉपुलेशन में 40% उस यंग पीढ़ी का पॉपुलेशन है। तो इस पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं? देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि एक आत्मनिर्भर भारत हो जाए, और इस आत्मनिर्भर भारत पे हमारा टारगेट है हमारी वो 40% युवा पीढ़ी जिसको हम रोजगार दिलवा सकते हैं। और उसी आह्वान को लेकर मैं देखती हूं कि हमारे मुख्यमंत्री हमेशा अगर कोई 100 मीटर का दौड़ हो तो पहले ही वो 100 मीटर के दौड़ पे निकल जाते हैं सबके सामने, सबके पहले ही। तो पहला स्टेट, पहला प्रदेश जो इस आह्वान को एक्सेप्ट करने वाला वो था हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री ने
मुझे लगता है उसी हफ्ते हम लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरा जुनून है कि मैं आत्मनिर्भर एमपी बनाऊं, और इस आत्मनिर्भर भारत का जो आह्वान है प्रधानमंत्री का, उसमें हमारा मध्य प्रदेश सम्मिलित हो और देश का पहला प्रदेश हो जो आत्मनिर्भरता की दिशा पूरे देश को दिखा दे। और उसी चुनौती को लेकर एक एक डिपार्टमेंट लग गया इस निर्देश पे, और आत्मनिर्भर एमपी की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो जब हम युवाओं की बात करते हैं तो रोजगार मेला तो होना ही है। हमारे मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले की बात करी, रोजगार मेला आज उसका अंतिम चरण था, और हमारे कम से कम सारे जिले आज लाइव टीवी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, सब लाइव है, और सबके जो कॉल लेटर्स हैं वो आज दिए जाएंगे। हमारी कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जैसे हमारे आरजीपीवी के मार्गदर्शन में, क्योंकि वहां भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये सब एक आधुनिक रास्ता पकड़ें जिसमें नई टेक्नोलॉजी से हमारे युवा जॉब्स उनको मिले, अच्छे जॉब्स मिले। इसीलिए डिपार्टमेंट की कोशिश रही है कि हम जुड़ें माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोगों से, हम जुड़ें अमेज़न जैसे लोगों से, ताकि ये सब जो आधुनिकता हम बात करते हैं वो आधुनिकता भी हम अपने अपने आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लाएं। मैं ज्यादा न कहते हुए आपसे आग्रह करती हूं कि ये प्रोत्साहन आप हमें देते रहो, कंधे पे आपका हाथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री का हाथ जब रहता है हर डिपार्टमेंट के कंधे पे तो हमें नई ऊर्जा मिलती है अपना काम करने के लिए। सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और अपनी शोभा बढ़ाई इस आज इस आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, और अब हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को कि आज के इस मौके पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। आज इस रोजगार उत्सव के महाअभियान के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे इस विभाग की मंत्री आदरणीय यशोधरा जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, आरजीपीवी के हमारे सम्माननीय कुलपति सुनील गुप्ता जी, हमारे इस विभाग की सचिव श्रीमती देशमुख जी, इस सभागार में हमारे बीच उपस्थित युवा मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई वैभव पमार जी, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐसे नौजवान आज इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, एक रोडमैप तैयार करके पूरे मध्य प्रदेश को, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हुई है, ऐसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इस अभियान में रोजगार उत्सव के अंदर आज इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सभी ऐसे लोग जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार मेले के माध्यम से आज इस अभियान से जुड़े हैं, और ऐसे नौजवान साथी जिनको आज जो अवसर मिला है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इस अभियान में और इस रोजगार उत्सव के माध्यम से, ऐसे उन सभी लोगों को मैं शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सरकार ने और माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी ने मिलकर के मध्य प्रदेश के नौजवानों को जो अवसर आज एक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर मिले हैं, यानी 138 रोजगार मेले पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक आयोजन करके
उनको किसी न किसी रूप में रोजगार के अवसर जो मिले हैं, और अगर उनका आंकड़ा हम लोग देखते हैं कि 1,44,000 लोगों को अभी तक रोजगार किसी न किसी रूप में मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय यशोधरा जी के नेतृत्व में पूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो दिए हैं, ये एक आंकड़ा हमारे लिए एक ऐसा आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश के लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर मिलनी चाहिए। हम लोग कभी कहते हैं, जब कभी सामने आते हैं तो लोग कहते हैं कि रोजगार के बारे में क्या कहना है, नौजवानों के बारे में उनको रोजगार मिलना चाहिए, इसके बारे में सरकार की नीति क्या है। तो मैं उन मित्रों को आज कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को उनको जरूर देखना चाहिए। मैंने हमारे नौजवान युवा मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम का उल्लेख ही इसलिए किया है कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से नौजवान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी परसों के दिन, दो दिन पहले ही संबल योजना में उन लोगों को, लगभग 10,000 से ऊपर लोगों को, जो उन गरीबों का संबल बनकर के योजना खड़ी है, उसके बारे में उन लोगों को काम अवसर देने का प्रयास किया, उनके खाते में 224 करोड़ रुपए एक क्लिक के माध्यम से उनके खाते में पहुंचा दिए। किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब हैं, माताएं बहनें हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा अवसर, कोई भी ऐसा वर्ग छूटा हो जिसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध होकर के नहीं खड़ी है। और जब संवेदनशील नेतृत्व होता है, अब ये रोजगार के अवसर मैं उन मित्रों को मध्य प्रदेश के अंदर बताना चाहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं, वो जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको भी जरा जानना चाहिए कि इतने कम समय के कार्यकाल में सरकार, चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ग्रहण करने के बाद से 1,44,000 नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। कोविड के महामारी के संकट में हर प्रकार से आर्थिक संकट है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि जब नेतृत्व संवेदनशील होता है और संकल्प जब होता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि चुनौती को अवसर में बदलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है, यह उनकी पहचान है। तो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इन सारी बातों को जमीन पर उतारने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया। कल मैंने परसों कहा था 82,000 करोड़ रुपए किसी न किसी योजना में लोगों के खाते में सीधे गए, और ये वो सरकारें हैं, चाहे केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो। ये सरकारें गुड गवर्नेंस केवल शब्द कहने के लिए नहीं है, ट्रांसपेरेंसी केवल कहने के लिए नहीं है। किन्हीं जमाने में लोग कहते थे कि 1 रुपया आता है 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब के खाते में पहुंचता है, लेकिन यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया जैसे ही उनकी सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि अगर 1 रुपया अगर चलता है गरीब के लिए तो उसके खाते में कोई बिचौलिया नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, वो सीधे 1 रुपया उसके खाते में जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये इतना ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देने का काम अगर मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार, जो नेतृत्व हमारा बैठा हुआ है, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी लोगों ने मिलकर के जिस प्रकार से काम किया है, ये मध्य प्रदेश के नौजवानों को मैं बहुत इस बात के लिए बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और आगामी समय में इस प्रकार के आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान शुरू हुआ है, मैं अपने खजुराहो लोकसभा केंद्र में देखता हूं, एमएसएमई के मिनिस्टर खजुराहो जाते हैं, अधिकारियों के साथ बैठते हैं, बैठने के बाद के आत्मनिर्भर खजुराहो, ये लोकसभा में भी उस बैठक में था, कैसे बनेगा? अलग अलग प्रकार के क्लस्टर बनेंगे, क्लस्टर के माध्यम से उन लोगों को रोजगार के उपलब्ध, रोजगार पैदा करने वाले लोग खड़े हो देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उन नौजवानों को अवसर मिलने चाहिए। उसमें किसी प्रकार की क्या कठिनाइयां, उन सब कठिनाइयों को दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं, तो आज जितने भी मेरे नौजवान साथी जिनको रोजगार के अवसर मिले हैं, जिनको काम करने के अवसर मिले हैं, उन सब लोगों को भी शुभकामनाएं देते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के सरकार के सभी नेतृत्व को पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब वो क्षण आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। भरनी है सपनों की उड़ान, कोई तो पंख लगा दे, भीड़ से अलग दिखूं, ऐसी मेरी पहचान बना दे, कर सकूं हर सपने को पूरा, ऐसा मुझ में साहस जगा दे। ऐसे ही हौसलों और मेहनत के परिचायक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने का समय आ गया है और इन्हीं के साथ नियोजकों को भी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। गुजारिश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय विभागीय मंत्री महोदया से कि वो युवाओं को ऑफर लेटर वितरित कर नियोजकों का सम्मान करने की कृपा करें। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं सालेहा खान को। सालेहा डीडीयू जेकेवाई में एयरटेल टेली सर्विसेस पीवीटी एलटीडी अहमदाबाद में आपको रोजगार मिला है। ग्राम पापेट विकास खंडा बंडा की मेडिकल ग्रुप में बीएससी कुमारी सालेहा अपने कद के बौनेपन से बहुत परेशान थी, लेकिन उन्होंने मेहनत करी और यहाँ का रास्ता लिया और रोजगार के अवसर उनको मुहैया कराए। डीडीयू जेकेवाई के अंतर्गत उन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया और हैदराबाद की राह पकड़ी। इनके लिए अगर ये कहा जाए कि जज्बा औरों से जुदा होने का फूल सहरा में खिला सकता है तो वो कम ना होगा। इन्होंने पूरी मेहनत करी और आज अपने पिता का आर्थिक बोझ अपने कंधों पर लिया है। सालेहा खान, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं लक्ष्मीबाई को। आप दिव्यांग हैं। डीडीयू जे जी के वाई के तहत आपने एयरटेल टेली सर्विसेज में आपको रोजगार मिला है। पढ़ाई बीच में छूट गई। शाहगढ़ विकास खंड में आजीविका मिशन की टीम से उन्हें मालूम हुआ कि इस तरह का कोई निशुल्क प्रशिक्षण है, सो उन्होंने सागर में अपने प्रशिक्षण में अपना नाम दे दिया और सहेलियों के साथ रहकर कम्युनिकेशन, इंग्लिश और कंप्यूटर सीखा और आज वो एयरटेल टेली सर्विसेज पीवीटी एलटीडी अहमदाबाद जा रही हैं। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, ऐसी हैं लक्ष्मीबाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं दीपेंद्र भार्गव जी को। आप स्नातक आईटीआई फिटर जीवन मोटर्स एवं मारुति सुजुकी भोपाल से आपको रोजगार मिला है। शिवपुरी के छोटे से गांव दिलारा में आर्थिक रूप से कमजोर कृषक परिवार में आपने जन्म लिया और स्नातक एवं आईटीआई फिटर की पढ़ाई उत्तीर्ण की। 2016 में पिताजी के लिए गए ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए आपने ट्यूशन भी की और बहुत मेहनत की और अब जीवन मोटर्स एवं मारुति सुजुकी भोपाल में टेक्नीशियन के पद पर आपका चयन हुआ है। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं नीतू कुशवाहा को। मात्र 21 वर्ष की आयु में आपने ये रोजगार प्राप्त किया है। वर्धमान फैब्रिक्स बुधनी में आपको नियुक्ति प्राप्त हुई है। सीहोर जिले के डोबी गांव की आप निवासी हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं और यहां तक आप पहुंची हैं। आपने अपने पिता को सम्मान के साथ साथ अपने आप को सबल बनाने में इस रोजगार योजना का बहुत बड़ा हाथ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आइए अब हम आमंत्रित करते हैं श्री योगेश विश्वकर्मा जी को। वेल्डिंग वर्क और हाउसकीपर के पद पर आपकी कंपनी में नियुक्ति हुई है। 20 वर्ष की उम्र में आपने पढ़ाई कंप्लीट की और इस तरह से आपका जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन में आपकी नियुक्ति हुई है। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं नियोक्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों को। यशस्वी समूह को हम आमंत्रित कर रहे हैं। 36 साल पुरानी ये कंपनी है जो पुणे में स्थित है और संपूर्ण भारत में ये काम कर रही है। इस अभियान के तहत इन्होंने 1,279 लोगों को रोजगार दिया है। यशस्वी समूह ने सामाजिक व्यवसायिक गतिविधियों में अपना योगदान दिया है और ये सबसे ज्यादा रोजगार देने में इनका अहम हाथ रहा है। स्किल्ड मैनपावर सप्लाई एजुकेशन सीएस और ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर आपने प्रदान कराए हैं। इसके साथ अब हम बुला रहे हैं वेलस्पिन पॉलिएस्टर इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि को। आपने इस अभियान के तहत 703 नियुक्तियां की हैं और आप भारत की सबसे तेजी से बढ़ते वैश्विक समूह में से एक हैं। इस कंपनी की स्थापना 1985 में हुई है और आप लगातार कार्यरत हैं।
और अब हम बुला रहे हैं वर्धमान यार्न। वर्धमान यार्न समूह एक हिस्सा है, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड भारत में एक प्रमुख संगठन है। कपड़ा निर्माण के अलावा इस समूह को विशेष इस्पात निर्माण खंड में भी विविधता प्राप्त है और इस अभियान के तहत आपने 652 नियुक्तियां की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज के इस मौके पर प्रदेश के कुछ जिलों से लाभार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी के तहत हमारे साथ आज जुड़े हैं धार से रानी मकवाना, शिवपुरी से हर्षवर्धन सिसोदिया, सतना से धनराज पयासी। मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो रोजगार प्राप्त युवाओं एवं नियोजकों से संवाद करने की कृपा करें। सबसे पहले हम चल रहे हैं धार, जहां हमारे साथ हैं रानी मकवाना और उनके साथ हैं महिमा फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही धार में? मकवाना मैन, आवाज आ रही मेरी? जी सर। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज देख रहे हैं कई लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, तो मैं एकदम प्रसन्न हूँ। आपके साथ हमारी विधायक आदरणीय नीना वर्मा जी भी हैं। जी सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी सर नियुक्ति पत्र कब मिला? सर 14 जनवरी को। अच्छा, आपने आपको कौन से पद पर नियुक्ति मिली? सर मुझे मशीन ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति मिली। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ से ली थी आपने? सर मुझे अभी ट्रेनिंग अभी करेंगे सर, साथ ही साथ नौकरी के साथ साथ। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? सर मैंने एमए कर लिया। एमए कर लिया है? जी सर। और परिवार में कौन कौन है आपके? सर मेरे परिवार में मम्मी पापा है और 3 भाई है और 4 बहन है। और मम्मी पापा खेती करते हैं, उसके साथ साथ मजदूरी भी करते हैं सर। अच्छा, बहन भाई छोटे हैं कि बड़े हैं? मेरे बड़े हैं। अच्छा बड़े, तो वो अपने काम धंधे में लगे होंगे कुछ? जी सर सब मजदूरी करते हैं। इसके पहले आपने और कहीं काम किया है क्या? सर मैंने भी मजदूरी करके पढ़ाई करी है। तालियां बजाइए, बेटी ने मजदूरी करके पढ़ाई की है। छतर सिंह दरबार जी भी दिखाई दे रहे हैं, हमारे सांसद भी आपके साथ हैं। तो बेटी आपको बहुत बधाई देता हूँ, इस नियुक्ति से आप संतुष्ट हैं? जी सर। आगे और क्या करना चाहते हैं, यही काम करना है या और कुछ? सर आगे और मुझे करनी है। चलिए बहुत बधाई, आज आप जॉब भी कर। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको नियुक्ति पत्र मिला है। ठीक से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए और खूब आगे बढ़िए, यही शुभकामनाएं आपको। जी सर थैंक यू सो मच। अगला ना सर, नियोक्ता भी हैं उनके साथ। सर नमस्कार। नमस्कार, आपको पहले तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। सर धन्यवाद, मध्य प्रदेश में अवसर ही इतने हैं कि हमें आवश्यकता है लोगों की ज्यादा से ज्यादा। इसमें हमें आवश्यकता है, हमें धन्यवाद की आवश्यकता, हमें धन्यवाद की जरूरत नहीं है। नहीं, दोनों को धन्यवाद की जरूरत है, हमें भी और आपको भी और जिनको मिल रही है। देखिए रोजगार हमारा सबसे बड़ा फोकस है इस समय, इसलिए मध्य प्रदेश में हमने कोशिश की है कि औद्योगिक नीति हमारी ऐसी हो कि जिसके कारण इन्वेस्टमेंट आए। आपकी कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है? कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स में भी है। ऑलमोस्ट 60% एक्सपोर्ट करता है सर। 60% एक्सपोर्ट। अभी कोरोना के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित तो नहीं हुआ? कोरोना के दौरान हुआ प्रभावित, लेकिन लकीली जैसे ही लॉकडाउन खुला ऑन 22nd ऑफ अप्रैल मुझे फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर उसी दिन मिला। अब अच्छी शुरुआत हुई। और हाँ जी,
मैं एक बात कहना चाहता हूँ साहब कि हम चाइना जाते हैं तो वहां सुनते हैं कि वहां के अधिकारी उद्योग के साथ मिलकर काम करते हैं, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में चाइना पैटर्न पे काम चल रहा है सर। इस बात की मुझे बहुत खुशी है आपकी लीडरशिप में। हम तो कोशिश ये करेंगे कि चाइना वाले ये कहें कि मध्य प्रदेश पैटर्न पे हमारे यहाँ काम चल रहा है, धीरे धीरे उस स्थिति में ले जाएंगे। आपके यहाँ लगभग कितने एम्प्लाइज हैं? 2000 के आसपास सर। 2000 के आसपास। आज मैं आपसे कह रहा हूँ यार और अब एक्सपांशन कीजिए, बढ़ाइए, मध्य प्रदेश बहुत अच्छा प्रदेश है जी सर, और हमारे निवेशक मित्रों को हर संभव सहायता और सुविधाएं देने की कोशिश करता है। आपने यह रोजगार दिया उसके लिए भी धन्यवाद, लेकिन अभी और जरूरत है क्योंकि आप तो एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है, मैं इसके लिए भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सरकार हर संभव सहयोग आपको करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ हैं धनराज प्यासी सतना से, और साथ ही उनके साथ मौजूद हैं आयशर मोटर्स पीथमपुर के प्रतिनिधि धनराज प्यासी। धनराज कैसे हो? नमस्ते मामा जी। नमस्ते, क्या हाल है धनराज? कहाँ तक पढ़ाई की? 10th पास की मामा जी, ITI किया है। ITI कब किया आपने? 2017 में कंप्लीट हो गया मामा जी। 2017 में कंप्लीट हो गया था जी। और नियुक्ति कब मिली आपको? 15 तारीख की। अभी 15 तारीख को नियुक्ति मिली आपको जी मामा जी। ITI किस स्टेट में किया था आपने? फिटर से। फिटर, तो अभी जो आपको काम मिला है आईसर में वो इसी से संबंधित है, फिटर से? जी मामा जी। बेटा परिवार में और कौन कौन है? परिवार में और पापा मम्मी और दो बहन है। अच्छा, बहन छोटी है बड़ी है? बड़ी है। अच्छा, अब वो अभी पढ़ाई उनकी भी पूरी हो गई होंगी? अभी नहीं हुई, चल रही है अभी पढ़ाई चल रही। पापा क्या करते हैं? पापा कागज फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, इसके पहले बेटा कहीं और काम किया आपने? हाँ, सतना में किया है, लोकल यहीं पे। अच्छा, इस नियुक्ति से आप प्रसन्न हैं? जी मामा जी प्रसन्न है। तो बेटा मेहनत से काम करो, आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई, नया मुकाम बनाओ। थैंक यू मामा जी। मैं देख रहा हूँ आपके साथ आईसर के प्रतिनिधि तो हैं ही, लेकिन विक्की भी बैठे हुए हैं और त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विधायक जी भी बैठे हुए हैं हमारे रामपुर बघेलान के। आपको और जिनको आज नियुक्तियां मिली है सभी बेटे बेटियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईसर से कौन बैठे हुए हैं यहाँ? सर नमस्कार। नमस्कार, अभी जो आपने नियुक्ति दी है जी सर, कहाँ काम करेंगे ये धंधा? सर ये इंदौर पीथमपुर में करेंगे सर। इंदौर पीथमपुर में? जी हाँ। तो आई सर तो ट्रैक्टर से लेके बाकी ट्रैक्टर ही बनाती है ना? ट्रैक्टर, ट्रक और बस तीनों का सर मैन्युफैक्चरिंग है। अपने तीन प्लांट है ना, बग्गड़ में भी है, धार में भी है और भोपाल में भी है। भोपाल में तो अभी अभी हमने आपके प्लांट को देखा था जी। जी आपका अनुभव कैसा है मध्य प्रदेश में काम करने का? सर बहुत ही बेहतरीन है। ईमानदारी बल्क में जो भी लड़के अपने ईमानदारी से बता जितने जी हाँ, क्योंकि जितना भी अपने को बल्क में रिक्वायरमेंट होता है तो हमें इजीली लड़के यहाँ पर मिल जाते हैं। लड़के यहाँ पर टिकते हैं, मतलब जल्दी जॉब छोड़ते नहीं हमारे आने के बाद। मैं कोशिश ये करो कि ये छोड़ा ही नहीं जी। आपकी आपकी तरफ से भी वातावरण काम का ऐसा रहे कि जिससे एक बार जो आ गया वो ना छोड़े। और मैं भी चाहता हूँ कि धनराज जैसे नौजवान एक बार काम पे लग गए तो आपकी कंपनी को भी लाभ है और धनराज जैसे नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। आपको ये रोजगार मेले के बारे में कहां से पता चला? सर रोजगार कार्यालय से। रोजगार कार्यालय से, उसी से देख के फिर आपने अपनी तरफ से प्रयास किया या हमारे विभाग ने प्रयास किया? नहीं, विभाग ने सर प्रयास किया था। अच्छा, विभाग ने आपसे संपर्क किया? जी हाँ। तो आपको धन्यवाद, आई सर अच्छा काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में निवेश काफी है और भी निवेश आए जी। उसके लिए हम लोग मिल के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ है शिवपुरी से हर्षवर्धनी सिसोदिया और मेजर डिजायर आउटसोर्स कंपनी के प्रतिनिधि हर्षवर्धन। मामा जी नमस्कार।
हाँ बेटी, नाम क्या है आपका? हर्षवर्धनी। हर्षवर्धनी से सऊदीया। हाँ हर्षवर्धनी, वही ना, मैं सोचता था हर्षवर्धन की। हर्षवर्धनी, तो हर्षवर्धनी के लिए हर्ष के साथ तालियां बजाइए एक बार। थैंक यू सर। बेटी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैंने एमए इन इकोनॉमिक्स किया है। कहाँ से किया? यही जीवा जी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। अच्छा, देखो आप शिवपुरी से हो तो यशोधरा जी मुस्कुरा रही थी, अभी शिवपुरी का नाम आती है ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, वैसे पूरे प्रदेश के लिए काम करती है। आपके साथ वीरेंद्र रघुवंशी जी भी, हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, बाथम जी हमारे जिला, तो प्रहलाद जी भी बैठे हैं क्या? नहीं, अच्छा बैठे हैं। हाँ इधर, अभी मसूका लगा रखा है तो समझ में नहीं आता कौन कौन के लेकिन लगाए रखिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कड़ाई भी और दवाई भी, दोनों चीजें जारी रहनी चाहिए। बेटी आपने किस तरह की इंटर्नशिप या ट्रेनिंग की थी, किसी तरह की थी क्या ट्रेनिंग? मेरा एक प्री एम्प्लॉयमेंट सेशन हुआ था SRC ITI में, तो वहाँ मुझे बस इसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप किया गया था। अच्छा, तो उसका लाभ मिला आपको? जी सर बिल्कुल मिला। जो नियुक्ति आपको मिली उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आगे और कहाँ तक बढ़ने का इरादा है? आगे मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है, स्टेनो किया हुआ है मैंने, आगे मैं इसी क्षेत्र में काम करना चाहूंगी, और चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी क्षेत्र में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एक आशा करती हूँ कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगी। मुझे पूरा विश्वास है, अभी हमारी संचालिका महोदया कह रही थी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, तो हौसला अगर है तो आप लंबी उड़ान भरेंगी प्रगति की, विकास की, और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में भी योगदान देगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। कौन सी कंपनी में नियुक्ति मिली है? मेजर डिजायर। मेजर डिजायर के प्रतिनिधि है जी। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, पुनीत भटनाम है मेरा। आपका तो नाम ही पुनीत है और काम भी बड़ा पुनीत किया है। आज के जमाने में रोजगार देने से बड़ा पुनीत काम कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा काम है रोजगार देना, उसके लिए धन्यवाद। कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है? सर अपनी कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी है, लड़के वगैरह हायर करती है, रोजगार प्रदान करती है। आपके मार्गदर्शन से अच्छा काम चल रहा है सर यहाँ पे, 20 से 25 लड़कों की ज्वाइनिंग कराई है अपन ने। कितने बच्चों की ट्रेनिंग करवाई? 20 से 25। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ट्रेनिंग का काम लगातार जारी रहेगा? जी सर, आपके मार्गदर्शन में पूरा काम जारी रहेगा सर। अरे मैं तो रोजगार देने के लिए मार्ग भी दिखाऊंगा और दर्शन भी दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी तलब है हमारी सरकार की इस समय रोजगार देना। तो हम आपको पुनीत जी भरसक सहयोग करेंगे, आपकी कंपनी जो ट्रेनिंग देने का काम कर रही है उसके कारण और कई लोगों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, बेटी हर्षवर्धनी को, और वैसे बेटा बेटियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। लगातार हम काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप हम सब का आज के इस मौके पर मार्गदर्शन करें। हमारे वित्त मंत्री भाई जगदीश देवड़ा जी, विभाग की यशस्वी मंत्री आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णु दत्त शर्मा जी, भाई तुलसी सिलावट जी हमारे जल संसाधन मंत्री, बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, बहन उषा ठाकुर जी, सुनील जी, श्रीमती देशमुख जी, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वैभव जी, यहां भोपाल और पूरे प्रदेश में आज मुझे सुन रहे मेरे सभी बहनों भाइयों बेटे बेटियों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं।
हमारे युवा सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, आज विष्णुदत्त शर्मा जी विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित है, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं, एक साथ कई क्षेत्रों में कई विषयों पर काम करते हैं, और आपदा को कैसे अवसर में बदलें यह भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। कोरोना आया, देश और दुनिया संकट में फंसी। अच्छा, मैं तो कोरोना ही में मुख्यमंत्री बना और जूझने ही सबसे पहले कोरोना से पड़ा, और कोरोना में भी ऐसी परिस्थितियों में जूझा के जब कोई कोरोना से निपटने की व्यवस्था ही नहीं थी, जैसे किसी ने पहले ही सोच लिया कि जा बेटा अब देख कैसे काम होता है। लेकिन इस कोरोना जैसी आपदा को, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर कुछ हुआ था तो अर्थव्यवस्था को हुआ, रोजगार चौपट हो गए थे, कारखाने बंद, फैक्ट्रियां बंद, काम धंधे बंद, बाजार बंद, बसें बंद, रेलें बंद, हवाई जहाज बंद, ऑटो रिक्शा बंद, टैक्सी बंद, अर्थव्यवस्था जैसे चौपट हो गई थी। एक समय तो लग रहा था कि अब होगा क्या, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं, उन्होंने आपदा को अवसर बदल के आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। मध्यप्रदेश सरकार ने भी आपदा में कसर नहीं छोड़ी जनता की सेवा में, एक तरफ खजाना खाली था, दूसरी तरफ आपदा का पहाड़ था, लगता था गरीब जिएगा कैसे, लेकिन मुझे गर्व कहते हुए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने किसी गरीब को मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं रहने दिया, भरपूर राशन, 5 किलो निःशुल्क, 5 किलो 1 रुपया, केवल गेहूं चावल नहीं, दाल भी, नमक भी, जो आने वाले हमारे मजदूर थे। आज मैं बीडी शर्मा जी को भी बधाई देना चाहता हूं, लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश होकर मजदूर गुजरे, सरकार ने संगठन के साथ मिलकर उन मजदूरों की बेहतर सेवा का जो काम किया वो अभिनंदनीय है। हमने बसें लगा दी, कोई भूखा नहीं रहे, कोई प्यासा नहीं रहे, चाय, नाश्ता, भोजन, दवाइयां, जूते चप्पल भी अगर नंगे पैर है तो पहनाने की व्यवस्था, ये सारे सेवा के काम किए। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो ऐसे कोरोना काल की आपदा में भी गड़बड़ करने से नहीं चूकते। अभी कल ही हमने इंदौर में पकड़ लिए, कुछ लोग ऐसे थे जिनने गैंग बना के कोशिश की कि गरीबों का राशन पे डाका डाल दिया जाए। रास्का में जेल भिजवा रहा हूं और मैंने कहा कि उनकी संपत्ति जब्त करके बेच के राशन खरीद के जिनका अधिकार था राशन, तो उन गरीबों को दिया जाएगा। माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा, जारी रहेगा, पूरी तरह से समाप्त करके छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने अभियान चलाया कि बीमारी के इलाज के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बने, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक रोड मैप हमने बनाया। और आत्मनिर्भर की अगर मैं बात करूं, काम कई किए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तब बनेगा जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, और वो कब आत्मनिर्भर होगा, जब उसको रोजगार मिलेगा। बिना रोजगार के जिंदगी नहीं चल सकती। मेरे बेटा बेटियों मध्य प्रदेश के, मैं तुम्हारी तकलीफ और व्यथा जानता हूं, और इस बार हमने तय किया है सबसे पहला फोकस है
वो फोकस है हमारा रोजगार पर, रोजगार 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 और रोजगार, हर सेक्टर में रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो सकते हैं। अब जब रोजगार की बात करते हैं तो एक तो सरकारी नौकरियां, हमने भर्ती से प्रतिबंध हटा दिया, पुलिस की भर्तियां चालू है, 5 विभाग अब भर्तियां चालू कर रहे हैं, हम शासकीय सेवा में भी रोजगार देंगे, लेकिन हम जानते हैं उसकी एक सीमा है। आपको बताना चाहता हूं कि 60,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार के केवल तनख्वाह में जाते हैं। अब टोटल जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है, वो सैलरी देना है, पेंशन देना है, नौकरियां रोकना नहीं है। जितने स्थान शासकीय सेवा में दिए जा सकते हैं वो स्थान हम देंगे, लेकिन अकेली शासकीय नौकरी सबको रोजगार नहीं दे सकती, और इसलिए रोजगार कहां कहां से मिल सकते हैं। कोरोना काल से ही हम कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना तेजी से, मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को आश्वस्त करता हूं, पहले टर्म में हमने सड़क बिजली पानी का इंतजाम किया, दूसरे में खेती पे हमने फोकस किया, तीसरे में हम उद्योग की तरफ जा रहे हैं। और सुनो मध्य प्रदेश वासियों, आर्थिक गतिविधियों के लिए मैं धन की कमी नहीं आने दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के काम लगातार हम करेंगे, नर्मदा जी के पानी का पूरा उपयोग हमको करना है, इसलिए सिंचाई की योजनाओं पर काम जारी रहेगा, अटल एक्सप्रेस वे चंबल में या इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस वे अमरकंटक से लेके ठेठ गुजरात की सीमा तक, और ये एक्सप्रेस वे केवल सड़कें नहीं होंगी, इनके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर हम बनाएंगे ताकि उद्योग आए। मुझे बताते हो खुशी है कि अभी भी उद्योगों के लाने का क्रम हमारा लगातार जारी है, और 19-20 में इसी साल हमारी कोशिश रही है, लगभग 20 उद्योगों ने मध्य प्रदेश में काम प्रारंभ किया है, जिसमें 4,000 बच्चों को रोजगार मिला, मैं अभी की बात बता रहा हूं। ये बड़े उद्योग भी लाएंगे, अभी हम रेडीमेड गारमेंट्स पर काम कर रहे हैं, त्रिपुर की कंपनी हम लेके आए, रेडीमेड गारमेंट्स में टेक्सटाइल में रोजगार के अवसर ज्यादा है। हमारा फोकस वो इंडस्ट्री जिसमें रोजगार के अवसर ज्यादा मिले, और एक घोषित नीति हमने तय की है कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको सुविधाएं सब देंगे, लेकिन शर्त यह रहेगी कि 75% रोजगार स्थानीय बच्चे मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को देना पड़ेगा, और उसके लिए बेहतर ट्रेनिंग। आज यशोधरा जी हमारे बीच में, हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं, और ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, काम जारी है। 2018 में 17 में हमने तय किया था, अब बीच में 1.25 साल का वनवास हो गया था, तब काम धाम नहीं हुआ, अब फिर से हमने चालू कर दिया है, सिंगापुर के सहयोग से बना रहे, और सिंगापुर इसलिए कि मैंने देखा वो आइडियल था, देखिए ट्रेनिंग ऐसे ट्रेड में दें जिसमें बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाए, रोजगार मिल जाए, नहीं ITI करके घर बैठ गए तो फिर ITI का मतलब क्या। और ग्लोबल स्किल पार्क में जैसे वो बन जाएगा, पहले साल ही 6,000 बच्चों को ट्रेनिंग हम देंगे, बाद में बढ़ा के 10,000 बच्चों तक उसको ले जाएंगे, और स्किल ऐसा उनके हाथों में आएगा कि उनको प्रदेश में, देश में और दुनिया में भी रोजगार मिले, ये हमारी कोशिश होगी। मॉडल ITI बन रही है सभी संभागीय केंद्रों में, ग्लोबल स्किल पार्क और बाकी ITI पे हम लगभग 1500 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं।
बच्चों के हाथों में हमें हुनर देना है ताकि कहीं भी रोजगार उनको मिल जाए। काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। और इसलिए काम करने वाले अगर हम बन गए, हाथ में कौशल और हुनर आ गया, तो फिर कोई समस्या नहीं है, प्रदेश में भी मिलेगा और देश में भी कहीं भी रोजगार मिलेगा। और इसलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। उसके बाद उद्योग हर सेक्टर के एमएसएमई भी आए, छोटे छोटे उद्योग आए। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, वो खुद भी उद्योग लगाने आगे बढ़े। अभी एक नई नीति लेके हम सामने आ रहे हैं, स्वरोजगार की नीति, जिसमें बच्चे अपना अपना छोटा मोटा काम धंधा उद्योग डाल सके, उसके लिए पूरे पूरा सहयोग करेंगे हम। फिर से रीपैकेजिंग कर रहे हैं जो पुरानी स्वरोजगार की योजनाएं थी, हमने केवल स्थगित इसलिए किए कि उससे भरपूर लाभ कैसे उठा सकते हैं बच्चे, इसलिए फिर से बना रहे हैं। तो उद्योग आए, बच्चे उद्योग लगाए, इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप, छोटे छोटे आइडियाज दिमाग में इंप्लीमेंट करो। सुनील जी भी यहां बैठे, मिलकर हम लोग साथ में काम करेंगे, क्योंकि रोजगार देना है तो बच्चों को सहयोग करना पड़ेगा, गाइड भी करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि हमारे बच्चों में क्षमता, बुद्धि, अकल, उसकी कमी नहीं है, जरूरत है ठीक प्रोत्साहन की। और ये कैपिटल वेंचर फंड से लेके इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप से लेके आईटीआई, ग्लोबल स्किल पार्क से लेके जो प्रयास जरूरी होंगे वो करेंगे बेटा बेटियों, और रोजगार की नई राह तुम्हें दिखाएंगे। अनेकों सेक्टर है। अभी मेरी बहने, गांव की बहने, शहर की बहने, सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली, अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया लोकल को वोकल बनाओ, हमने तय किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के ही सामान बनाएंगे और लोकल मार्केट में वह बिक जाए इसकी चिंता भी करेंगे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, पीपी किट हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, साबुन हो, बहनों ने इतना बनाया कि कोरोना काल में कभी नहीं आने दी और बिका भी खूब। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप, बड़ी संख्या में नए नए सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाए। मध्य प्रदेश में लगभग 2,75,000 से अधिक नए परिवारों को 24,600 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जोड़ा गया है। और ये बहनें आर्थिक गतिविधियां शुरू कर रही है, अलग अलग चीजें बना रही है, तो एक तरीका रोजगार का वो भी है। फिर टूरिज्म से रोजगार कैसे बढ़े, हमारी पर्यटन मंत्री भी बैठी है, एक नहीं अनेकों प्रयास, बफर में सफर हमने शुरू कर दिया। टाइगर रिजर्व में दिन में ही काय को देखो, रात में भी देखो, वो उसके बफर में जाके नाइट सफारियां शुरू हो रही है। हनुमंतिया, सैलानी जैसे टापू विकसित किए हैं, नए नए टूरिज्म की डेस्टिनेशन हम खोज रहे हैं। पर्यटन से बहुत रोजगार मिलता है। हमारे धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास, छोटे छोटे होटलों की भी चयन, एक न्याने को प्रयास उसमें, वो हमारे लगातार जारी है। मेरे मित्रों, रोजगार सेतु पोर्टल बनाया हमने, मैं निवेशकों को धन्यवाद दूंगा, कोरोना काल में बनाया। जो मजदूर आ रहे थे वो स्किल्ड भी थे, और उसमें हमने ये तय किया कि एक तरफ नौकरी की, जिनको जिनको जॉब के लिए लोग चाहिए, उनका
वो उन कंपनी का नाम, और दूसरी तरफ जिनको जॉब चाहिए उनका नाम। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि लगभग 46,000 नियुक्तियां रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से हमारे यहां हुई है कोरोना काल में, 46,000 नियुक्तियां। तो ये अनेकों तरह से रोजगार को प्रेरित करने के लिए एक जिला एक पहचाने की योजना बनाई। हर जिले की अपनी विशेषता है, जैसे बुरहानपुर की केला, इंदौर के आलू, हमारे आगर शाजापुर के संतरे, कहीं का बासमती चावल, कहीं की दाल, कहीं वनोपज, उस पर आधारित जो उद्योग है वो लगाएंगे, प्रोसेसिंग भी करेंगे कोदो कुटकी। अब डिंडोरी की बहनों ने कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग की, 5-स्टार होटलों में जा रहा है, एक्सपोर्ट की संभावनाएं, और उसी जिले में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना में गरीब फुटपाथ पर काम करने वालों को रोजगार, फॉरेस्ट से कैसे रोजगार मिल सकते हैं उसकी कोशिश, एक नहीं अनेकों प्रयास जारी है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रयास हमने प्रारंभ किए, 1,44,000 बच्चों को रोजगार मिल चुका है, 1,44,000, और यह क्रम लगातार जारी रहेगा, इसको हम छोड़ने नहीं वाले। लेकिन आज मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, यशोधरा जी मैं आपको एक जवाबदारी सौंप रहा हूं, और बेहतर रोजगारों के लिए मंथन करवाइए और ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, कैसे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित हो सकते हैं। जितना मंथन हो विचार विमर्श कीजिए, उसको जमीन पर उतारेंगे हम। लेकिन हर महीने 1,00,000 बच्चों को, माताओं बहनों को जिनको रोजगार की जरूरत है, रोजगार दे पाए, ये टारगेट है हमारा, हर महीने 1,00,000। और अलग अलग सेक्टर में सब मिला के मैं कह रहा हूं ये किया जा सकता है, असंभव कुछ नहीं है। आखिर अभी हम कह रहे थे कि पंखों से क्या हौसलों से उड़ान होती है, असंभव शब्द अपने शब्दकोश में नहीं है। कोरोना में लोग कहते थे क्या हो गया, मर गए, कैसे काम चलेगा, 3 महीना तो टैक्स का 1 पैसा नहीं आया। मुझे कहा कुछ लोगों ने कि अब तो कर्मचारियों की तनख्वाह याद ही करनी पड़ेगी। अरे हमने कहा कर्मचारियों को भी तनख्वाह देंगे, किसान के खाते में भी पैसा डालेंगे, गरीबों को भी देंगे, और 82,000 करोड़ रुपया अलग अलग खातों में, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, वृद्धों की पेंशन हो, हमने खाते में डालने का काम किया। कल हमने 224 करोड़ रुपया हमारे संबल सबसे गरीब दीनहीन उन बहनों भाइयों के खाते में डाला। अब एक सरकार थी जो कहती थी पैसा ही नहीं है, लेकिन हम रोएंगे नहीं। अरे नेतृत्व तो वो होता है, जो नहीं है तो व्यवस्था करें, निकाय के नेता तुम, और जहां चाह होती वहां राह को निकलना पड़ता है। राह निकलेगी मेरे बेटा बेटियों, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुलंद हौसलों से काम करें, सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप विश्वास से भर के खड़ा हूं, करेंगे रोजगार के अवसर सृजित। लेकिन केवल मैं नहीं, हम मिलकर करें। नौजवानों को आह्वान करता हूं, आइडियाज लेके वो आगे बढ़े, उनके आइडियाज को पूरा करने में हम साथ देंगे, हम सहयोग करेंगे।
निवेशकों को विश्वास दिलाता हूं, आओ मध्य प्रदेश की धरती पर, असीम संभावनाओं से भरा हमारा प्रदेश, अद्भुत प्रदेश, शांति का टापू मध्य प्रदेश, सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास जमीन है, हम कई कई इंडस्ट्रियल पार्क विकसित कर रहे हैं, जमीन की कमी नहीं है, और जमीन भी चमत्कारी है, हीरा पन्ना से लेकर सब दबे हुए हैं। अभी बीच में पन्ना में हीरो की खदान पर संकट आया था, अध्यक्ष भी विजेंद्र जी भी, हम लोगों ने रास्ता निकाला, खदानें चालू रहेगी और हम अपने खनिज का भी अधिकतम दोहन करेंगे। हमारे पास जमीन है, भरपूर बिजली है, शानदार सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर हम तैयार कर रहे हैं, लघु और कुटीर उद्योगों का भी जाल बिछा देंगे, चौतरफा काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे, इंफ्रा भी बनेगा, खेती आगे बढ़ाएंगे, फूड प्रोसेसिंग में तेजी से आगे बढ़ेंगे, और स्थानीय विशेषताओं के आधार पर लोकल उत्पाद बनाएंगे। मैं एक आह्वान मध्यप्रदेश वासियों को करना चाहता हूं, अपनी जरूरत की चीज जहां तक संभव हो लोकल उत्पाद से पूरी कीजिए। चीन के सामान की अब जरूरत नहीं है। अगर गणेश जी की मूर्तियां और दिवाली का दिया, विद्युत बल्बों की लड़ियां क्या हमारे देश में नहीं बनती? हमारी बहनें बना ली, हमारे बच्चे बनाएंगे। इसलिए स्वदेशी, स्वदेशी और स्वदेशी, अपने लोगों का बना सामान खरीदें। सरकारी व्यवस्था में भी हम ये कर रहे हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें बनाएंगी, रेडी टू ईट सेल्फ हेल्प ग्रुप के महासंघ बनाएंगे। मैं तो उस दिन हैरत में रह गया जब भोपाल का जरी का काम कितना अद्भुत है, चंदेरी की साड़ियां, बाघ प्रिंट, टीकमगढ़ का हस्तशिल्प, धातु शिल्प, हमारे यहां एक अगरिया जाती है, वो लोहे की आयरन ओर से कितने बढ़िया सामान बनाती है आप कल्पना नहीं कर सकते। जरूरत है इनके कौशल को सहयोग करने की, हम पूरी ताकत से करेंगे, नए रोजगार के अवसर सृजित करके नौजवान बेरोजगार ना रहे, और जो आज काम कर रहे हैं पार्ट टाइम भी वो और बेहतर कर सके, इसके प्रयास जारी रखेंगे। आज जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, नियोक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं। हम और वो मिलकर लगातार ये प्रयास जारी रखेंगे ताकि हम रोजगार नहीं, रोजगार के रूप में नई जिंदगी अपनी युवा पीढ़ी को दें और उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग करें। मध्यप्रदेश बनेगा कब? तब जब हर हाथ काम करेगा, और इसलिए हमारा संकल्प है हर हाथ को काम। उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। ये जो टीम बैठी है समर्पित टीम है, प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित है, मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। लेकिन मध्यप्रदेश की 8 करोड़ जनता से भी मैं अपील करता हूं, मिलकर साथ बढ़े। मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाना इससे कम कुछ नहीं। उस दिशा में मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार हैं, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, और ये
संकल्प ही करते हैं सब लोग कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को एक नई ऊर्जा और नई बुलंदी तक पहुंचाएंगे। हम आमंत्रित कर रहे हैं तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग आयुक्त श्रीमती षणमुगा प्रिया मिश्रा जी को कि वो सभी मेहमानों का धन्यवाद अदा करें। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के माननीय मंत्री महोदया, माननीय सांसद महोदय एवं मंचासीन समस्त मंत्रीगणों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर दिया। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, युवाओं और विशेष रूप से नियोजकों का जिन्होंने युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार प्रदान किए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से आप सभी और विशेष रूप से युवा अवश्य लाभान्वित होंगे और विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं सुविधाओं का अवश्य ही लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के इस मौके को उन्होंने इज्जत दी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय मंत्री महोदया यशोधरा राजे सिंधिया जी का और सम्मानित अतिथिगण का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।